निर्मला टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेटर्स की, जो मुंबई के महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर्स हैं जिसको हमने इलेक्शन में वोट डालकर जिताया था, जो हमारे हमने हमारे मोहल्ले से कॉर्पोरेटर बनाया था, उनका रिपोर्ट कार्ड आया है। प्रजा फाउंडेशन एक एनजीओ है, जो एनजीओ हमेशा हर साल इन पे ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेटर पे नज़र रखती है, कॉर्पोरेटर से पूरे डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी थिंग पे नज़र रहती है, उसके बाद में एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो रिपोर्ट कार्ड पब्लिश होता है। 2018 में भी हमने ये पब्लिश किया था, 2019 का भी हम ये पब्लिश करने वाले हैं, 2019 और 2020। 20 का तो अभी रिपोर्ट कार्ड आया नहीं, लेकिन 2019 का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कौन से कॉर्पोरेटर्स हैं जो टॉप 10 में है, कौन से कॉर्पोरेटर हैं जो बॉटम 10 में है, तो आखिर के जिसने काम ही नहीं किया। पहले हम बताएंगे 2018 का, फिर उसके बाद में 2019 का, ये दोनों बारी बारी। ये 2018 का रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में क्लियरली मेंशन किया गया है टॉप 10 कॉर्पोरेटर 2018 रिपोर्ट कार्ड। पहला नाम आता है किशोर पडनेकर, और उसके बाद में आता है श्वेता शारदा कोरगांवकर, आरसी वार्ड है, उसके बाद पीएस वार्ड बीजेपी, प्रीति मनोज सतम, फिर एफएन वार्ड कॉन्स्टिट्यूशन 175 समाज शिवसेना, मंगेश श्रीधर सतमकर, फिर उसके जीएस वार्ड में है 194 कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से शिवसेना समाधान सदानंद सावरकर सावर सरवर सरवनकर, इसके बाद में ई वार्ड 209 कॉन्स्टिट्यूशन समाजवाद शिवसेना यशवंत कमलाकर जाधव, एमडब्ल्यू 153 कॉन्स्टिट्यूशन शिवसेना अनिल रामचंद्र पटनकर, उसके बाद में 206 कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, फिर शिवसेना सचिन देवदास पडवाल, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 33 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वीरेंद्र तुकाराम चौधरी, उसके बाद में शिवसेना सुजाता उदेश पाटेकर। ये टॉप 10 के कॉर्पोरेटर्स हैं। और इसके बाद में देखें बिलो बॉटम 10 काउंसिलर जो काम ही नहीं किए। 2018 का रिपोर्ट है। 145 में पहला नाम आता है शाहनवाज सरफराज हुसैन शेख, शाहनवाज शेख, उसके बाद में बीजेपी, ये MIM के हैं शाहनवाज शेख, उसके बाद में बीजेपी केशरबेन मुखर्जी पाटिल, उसके बाद में वापिस MIM, AIMIM गुलनाज मोहम्मद सलीम कुरैशी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 133, फिर शिवसेना परमेश्वर तुकाराम कदम, फिर बीजेपी मुरजी कांजी पटेल, फिर शिवसेना जगदीश तवल दईवाल, फिर उसके बाद बीजेपी प्रीतम गौतम, उसके बाद में वापस बीजेपी अनीता दिनेश, उसके बाद में वापस कांग्रेस बेनिफिट बेपेस डिसोजा, उसके बाद में वापस NCP नाजिया जब्बार सोफी। ये कॉर्पोरेटर 2018 में लोगों ने काम नहीं किया, ये 10 कॉर्पोरेटर के नाम है, ये लोग ने 2018 पे काम नहीं किया। जैसे मैंने आपको टॉप 10 बताया, वैसे बॉटम 10 भी बता दिया। टॉप काउंसिलर, टॉप 10 काउंसिलर जिसने सवाल पूछे थे BMC से, उसमें एक नाम आता है सईदा आरिफ खान NCP, फिर उसके बाद शिवसेना यशवंत कमलेकर जाधव, उसके बाद में INC रवि कोंडू राजा, उसके बाद में शिवसेना दत्ताराम शिवराम नावलकर, उसके बाद में शिवसेना, मतलब ये जो कॉर्पोरेटर, ये 10 कॉर्पोरेटर, इन लोग ने सवाल काफी अच्छा पूछा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क, ज्यादा सवाल पूछे। तो ये लोग, इन लोग का काम करने का तरीका है, मतलब ये सईदा आरिफ खान ने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे काम करा के लिए है, इसकी वजह से इनका जो रैंक है, इनका जो क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे उसमें इनका नाम है। और ये वो कॉर्पोरेटर 13 बॉटम कॉर्पोरेटर है जो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज जीरो है। पहला बीजेपी है, उसके बाद में वापिस MIM के गुलनास, उसके बाद में बीजेपी, उसके बाद में शिवसेना, उसके बाद में बीजेपी। तो ये गुलनास ने शायद 2018 में काम नहीं कभी, क्या पता नहीं 2019 का क्या रिपोर्ट है इसका, तो वैसा इनका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। क्वालिटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे वो भी बहुत बड़े मायने हैं। अभी देखते हैं हम 2019 का रिपोर्ट। 2019 की रिपोर्ट में
बॉटम 10 काउंसिलर बाय रैंक, मतलब ये लास्ट के 10 कॉर्पोरेटर के नाम है जिन्होंने काम नहीं किया, मतलब इनको रिपोर्ट कार्ड निकला है, इनके रिपोर्ट कार्ड में इनके बॉटम 10 पे नाम है। पहला नाम है MIM के गुलनास सलीम कुरैशी, उसके बाद में आयशा बानू, उसके बाद में सागर रमेश, उसके बाद में प्रवीण। गुलनास जो है वो MIM से हैं, AIMM से हैं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी, उसके बाद में बीजेपी, बीजेपी की समाजवादी पार्टी की आयशा रफीक शेख भी है, इन्होंने भी मतलब बॉटम 10 में नाम आया इनका भी। उसके बाद में शिवसेना, उसके बाद में INC निकम, उसके बाद में बीजेपी, उसके बाद में तुकाराम कदम, शिवसेना, ये बॉटम 10 के हैं। अभी हम देखते हैं टॉप 10 के जो कॉर्पोरेटर हैं, टॉप 10 2019। पहला नाम आता है सुजाता उदेश पाटेकर, उसके बाद में किशोर पडनेकर, उसके बाद में सेजल, उसके बाद में कुरम जहान, मोइन सिद्दीकी, उसके बाद में हरीश, राजवी चड्डा, उसके बाद में समाधान, उसके बाद में मेहर मोशिन हैदर, उसके बाद में संदीप विजय टंडेल, उसके बाद में सचिन देवदास आड़ा। ये जो टॉप कॉर्पोरेटर है BMC के टॉप कॉर्पोरेटर में से हैं जिन्होंने काफ़ी सवाल पूछे हैं, काफ़ी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें से मोशिन हैदर, मेहर मोशिन हैदर, इन्होंने भी मतलब टॉप 10 में जगह लेने की कोशिश की और इनको टॉप 10 की जगह मिली। ये जो रिपोर्ट था ये मैंने पहले बताया, बॉटम कॉर्पोरेटर है जिन्होंने काम नहीं किया। अगर पार्टी वाइज की बात करें तो सब में आखिर में MIM आता है, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद में शिवसेना, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में NCP, उसके बाद में समाजवादी पार्टी, उसके बाद अखिल भारतीय सेना, उसके बाद में इंडिपेंडेंट, उसके बाद में महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना, उसके बाद में MIM। मतलब मुंबई में MIM सक्सेस नहीं हुई जहाँ तक हमारा अंदाजा है, रिपोर्ट देखे तो ऐसी लग रहा है, क्योंकि दोनों कॉर्पोरेटर ने कुछ खास काम नहीं किया। अब हम देखते हैं कि इनका ABCD वाइज ग्रेड वाइज भी मिलता है, वो भी देख लेते हैं। टॉप थ्री कॉर्पोरेटर्स में किसका नाम है, पहला सुजाता उदेश, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में सेजल प्रशांत देसाई। टॉप थ्री कॉर्पोरेटर्स, क्योंकि कॉर्पोरेशन अगर समझ में आ गया तो टॉप में रहना, मतलब टॉप 10 में रहना कोई बड़ी बात नहीं, कॉर्पोरेशन समझ में आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं 4 साल बाद भी कॉर्पोरेशन समझ में नहीं आता। और एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अभी के पीरियड में COVID-19 के पेंडेमिक पीरियड में हर कॉर्पोरेटर्स को 10 लाख रुपये का बजट दिया था जो कोविड 19 के लिए खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई भी नेशनल डिजास्टर आता है तो वहाँ पे BMCC अपना फंड निकाल के देती है कि आप लोग अपने एरिया को संभालें। लेकिन कौन से कॉर्पोरेटर ने 10 लाख रुपये लिया, कौन से कॉर्पोरेटर ने काम ही नहीं किया, 10 लाख रुपया कहाँ लगा दिया पता नहीं। अभी जाके शायद से अगर कोई कॉर्पोरेटर से पूछे तो उन लोग को तो ये बोलेंगे कि हमने इधर खर्चा किया उधर खर्चा किया, लेकिन खर्चा किधर किया पता नहीं। हर कॉर्पोरेटर्स को 10 लाख रुपये का बजट दिया है खर्च करने के लिए BMC का पैसा। उसका भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो भी मैं डॉक्यूमेंट बता दूँ। अगर किसी को फाइल चाहिए होगा तो मुझे जरूर मैसेज करें, आपको फाइल दे सकते। ये NCGM का साइट है, महानगर पालिका का साइट है, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। कोई भी सर्कुलर आएगा आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, सर्कुलर पूरा यहीं पे मिल जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने सर्कुलर किया है, ये सर्कुलर मेरे को देख के शायद से 2 महीना पहले मैंने देखा था। उसके बाद में कॉर्पोरेटर ने कौन से कॉर्पोरेटर ने पैसा लिया, काम किया नहीं किया, या आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है, आपको ये सवाल पूछना है अपने कॉर्पोरेटर से कि 10 लाख रुपये का क्या किया, क्या खर्च किया तुमने। डॉक्यूमेंट आ रहा है, हाँ ये देखिए, ये गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है BMC का, महानगर पालिका का, नगर सेवक निधि मधुन COVID-19 चा उपयोग योजना करी 10 लाख का खर्चा करने के लिए दिया है। इसमें कुछ गाइडलाइंस है कि कहाँ पे खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है,
गाइडलाइंस है, लेकिन ये किसी किसी ने मेंटेन नहीं किया है कि पैसे को किधर खर्चा किया है। अभी पता नहीं कि मतलब जब सामने जाएंगे फील्ड पे, जब कॉर्पोरेटर से मिलेंगे तो वो तो ये बोलेंगे मैंने ये खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया, अब वो 10 लाख रुपया गया किधर? अगर तुमने खर्चा किया है तो क्या खर्चा किया है, या आप लोग का अधिकार है, आप लोग सवाल पूछना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया।